कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार प्रज्वल रेवेना के कथित यौन उत्पीड़न के वीडियो को पेन ड्राइव के जरिए सार्वजनिक करने का मामला तूल पकड़ रहा है। इस बीच जेडीएस पार्टी ने आरोपी प्रज्वल रेवेना को सस्पेंड भी कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी प्रज्वल रेवेना देश छोड़कर जर्मनी में है, मगर क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आखिर अपराधी भागकर विदेशी जमीन पर क्यों जाते हैं? उन्हें वापस देश कैसे लाया जा सकता है? कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि इस पूरे मामले में जर्मनी एम्बेसी की कोई कमेंट या किसी तरह की कोई टिप्पणी करने से फिलहाल उनका इनकार है। जर्मन दूतावास के हेड जॉर्ज एंजवेलर कहते हैं कि उन्होंने न्यूज़पेपर में इसके बारे में पढ़ा है, मगर अभी तक इस पूरे मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं। इस बीच ये मुद्दा उठ रहा है कि अपराधी जुर्म करके विदेश की पनाह क्यों लेते हैं, विदेशों में जाकर क्यों रहते हैं, क्या इसके बाद उन्हें पकड़ने के रास्ते घट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं? अपराध करने के बाद देश छोड़कर भागना एक तरह से समय लेने जैसा भी माना जाता है। इस दौरान अपराधी बच निकलने के कई रास्ते खोज लेता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। पिछले साल का एक मामला आपको याद होगा, खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल के गायब होने पर भी अंदेशा यही जताया जा रहा था कि वो विदेश भाग गया है, मगर बाद में उसे देश में पकड़ा गया। आपको बता दें ऐसे कई अपराधी हैं जो क्राइम करके विदेशी मेहमान बन जाते हैं और विदेश के जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारत का कानून वहां पर लागू नहीं होता। आपको बता दें कि विदेश में बैठे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी कि प्रत्यर्पण संधि की जरूरत होती है, और वो प्रत्यर्पण संधि उस देश से होना चाहिए। प्रत्यर्पण का मतलब वापस लौटाना। यदि आसान भाषा में समझें तो हमारे पास दूसरे की कोई चीज गलती से आ जाए तो मांगने पर हमें उसे लौटाना होता है, इसे ही एक तरीके से प्रत्यर्पण संधि कहते हैं। अपराधियों के मामले में अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यह संधि दो सरकारों के बीच होती है, जिसमें यदि उनका कोई अपराधी दूसरे देश पहुंच जाए तो उसे उन्हें वापस लौटाना होगा। जैसे भारत से कोई अमेरिका चला जाए, या इसका उलट कोई क्रिमिनल अपने यहाँ पनाह न देकर उन्हें वापस भेजे, यानी अमेरिका से कोई यहाँ पर अपराधी आ जाए तो उन्हें वापस देना होगा। ऐसा नहीं है कि जर्मनी और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, मगर इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं, पेचीदगियां हैं। दरअसल प्रत्यर्पण संधि दो देशों के बीच हुआ एक ऐसा समझौता है जिसके मुताबिक देश में अपराध करके दूसरे देश में छुपने वाले अपराधी को पकड़कर पहले वाले देश को यानी जिस देश का वो है उसे सौंप दिया जाएगा। जर्मनी की सरकार ने भारत सरकार के साथ साल 2001 में प्रत्यर्पण संधि की थी। बहुत सारी कानूनी अड़चने आती हैं इसमें। जर्मनी भाग जाने के बाद गिरफ्तारी बेहद मुश्किल है। दूसरे देश का मामला होने के चलते नियम कानून बहुत जटिल हो जाते हैं। सरकार के स्तर से बातचीत होती है, फिर वहां की पुलिस से तालमेल बिठाना पड़ता है। अपराधी तब तक वहां से भागने की तैयारी कर लेता है। कानूनी प्रक्रिया के जटिल होने के कारण अपराधी इसका फायदा उठाते हैं। चूंकि बड़े अपराधी या आतंकी हो तो मंत्रालय के स्तर पर बातचीत भी की जाए, लेकिन छोटे मोटे अपराधियों के लिए ये पूरी लंबी प्रक्रिया अपनाना उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, व्यवहारिक तौर पर नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे में अब ये जानते हैं कि प्रत्यर्पण संधि के तहत कब मिल सकती है नामंजूरी। यदि उस देश को लगे कि उसके देश में पनाह लिए आरोपी को राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है तो उसे वापस भेजने से वो देश इनकार भी कर सकता है। प्रत्यर्पण संधि का आर्टिकल 5 कहता है कि देश किसी ऐसे आरोपी को भी लौटाने से मना कर सकता है जिसकी उम्र काफी कम हो। यदि पनाह दे चुके देश को प्रत्यर्पण के लिए भेजी गई रिक्वेस्ट साफ ना हो तब भी वहां की सरकार आरोपी को भेजने से इनकार कर सकती है। एक्स्ट्रा ऑडिशन का आर्टिकल 12 कहता है कि मांग लिखित होनी चाहिए, इसके साथ ही राजनीतिक बातचीत के जरिए हो, वरना उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि ये आरोप लग रहा है तो आरोप अगर गंभीर है तो वो देश के तत्काल जो पूरे मामले हैं उस पर कार्रवाई करके अपनी जेल में प्रोविजन कस्टडी में उसे रख सकता है। भारत और जर्मनी के करार में एक परेशानी यह भी है कि जर्मनी में मौत की सजा खत्म हो चुकी है जबकि भारत में यह बरकरार है। ऐसे में जर्मनी चाहे तो फांसी की सजा पाए दोषी को भी वापस भेजने से मना कर सकता है। इसके साथ ही दूसरा देश ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन की बात कहकर भी दूसरे देश अपराधी को लौटाने से मना कर सकते हैं। देखा जाए तो भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और रूस जैसे बड़े देश शामिल हैं। इसके साथ ही 12 ही देशों के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट भी है। इन दोनों में मोटा फर्क यह है कि जो लिखित होता है और जो वादों में होता है। फिलहाल रेवेना को लेकर जिस तरीके की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि वो जर्मनी में है, अब देखना यह है कि क्या प्रत्यर्पण संधि के जो कानून हैं
वो रेवेन्ना के मामले में कारगर होंगे और रेवेन्ना की वापसी भारत हो पाएगी, रेवेन्ना को भारत वापस लाया जा पाएगा, क्योंकि लगातार उनके तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसमें वो ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि उनके वकील बातचीत कर रहे हैं और वो देश से बाहर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।